मंकी पॉक्स या जिसे कि आजकल एम पॉक्स भी कहा जाता है। माई सेल्फ डॉक्टर मेघा मोदी, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट वसुंधरा एंड एंद्रापुरम। तो आइए जानते हैं मंकी पॉक्स आखिर है क्या। रिसेंटली WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ये डिक्लेयर किया है। तो ऐसी क्या वजह है, मंकी पॉक्स क्यों इतना लोगों में दहशत पैदा कर रहा है? प्लीज़ घबराए ना, करंटली हमारे इंडिया में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। यदि हमें इस तरह के कोई सिम्टम्स ऑब्जर्व करें तो हम एक प्रॉपर प्लेस पे, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ हॉस्पिटल्स स्पेसिफाई करा है, वहीं हम इसके लिए ज़रूर जाएँ और नोटिफाई करें। ये एक वायरल डिजीज़ है, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली एक एपिडेमिक देखा है कोरोना वायरस। सिमिलरली इट्स अ वायरल इलनेस। ये एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब ये ओरिजिनली जानवरों में होती थी। सबसे पहला केस ये मंकी में ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसका नाम जो है मंकी पॉक्स है। और ये एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स में आया है। तो इसका जो स्प्रेड होता है वायरल डिजीज का, ये एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स में आ सकता है या ह्यूमन के थ्रू ह्यूमन बींग्स में आ सकता है बाय क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू या सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये इवन आपको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, मतलब कि ऐसी चीज़ों से जैसे बेडशीट से या यूज्ड प्रोडक्ट से भी हमें ट्रांसमिट हो सकता है। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स काफ़ी हद तक स्मॉल पॉक्स की तरह ही होते हैं, और स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में ये कम सीवियर होता है। इसमें डेथ रेट भी होती है, ये कई बार सीवियर फॉर्म भी ले सकता है। तो वायरस के कांटेक्ट में आने से लेकर जो सिम्टम्स आने तक का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इस बीच हमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है और हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, बट ये टाइम 6 दिन से लेके 12 दिन तक कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो है एक इन्वेजिव पीरियड शुरू होता है, जब हम मेनली इसके सिम्टम्स ऑब्जर्व करते हैं। पहला सिम्टम आप फीवर के रूप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। फीवर यूजुअली हाई ग्रेड होगा, इवन ठंड देके आने, हम कहते हैं चिल्स के साथ फीवर आ सकता है। इसके अलावा बहुत सीवियर हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन्स हो सकते हैं, और एक बहुत खास सिम्टम जो कि नेक में स्वेलिंग यानी कि लिम्फ नोड्स, जो आमतौर पे आप चिकन पॉक्स में नहीं ऑब्जर्व करेंगे, वो आप इसमें देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्फेडेनोपैथी। और इसके बाद आते हैं स्किन रैशेस। लोग इससे क्यों इतना घबराएं, क्योंकि मंकी पॉक्स में जो स्किन लीजन्स आते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, इवन थाउजेंड्स इन नंबर्स। स्किन लीजन्स की शुरुआत यूजुअली फ्लैट लीजन्स होती है। फ्लैट मीन्स हम उसको साइंटिफिकली कहते हैं मैक्यूल। सिर्फ एक रेड सा फ्लैट लीजन दिखाई देगा, फिर वो थोड़ा सा उभरता है और फिर उसमें फ्लूइड भर जाता है, जिसको हम कहेंगे ब्लिस्टर। उसके बाद वो रप्चर होके क्रस्टिंग हो सकती है, तो स्कैब बन जाता है। तो ये मेन स्किन के सिम्टम्स होते हैं जो मंकी पॉक्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं, और इसी को लेके लोग आजकल कई बार इतना घबरा जाते हैं कि सिंपल अगर कुछ ज़्यादा मॉस्किटो बाइट्स भी आ जाएँ तो लोग रूल आउट करवाने आते कि हमको मंकी पॉक्स तो नहीं हो गया है। बट इसके स्किन लीजन सबसे कॉमनली जो है वो फेस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फेस के अलावा हैंड्स पर, फीट पर, मुंह में भी आपको छाले हो सकते हैं। कभी कभी ये सीवियर फॉर्म ले सकता है, जिसकी वजह से अगर स्किन सरफेस ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो आपकी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरह के किसी भी सिम्टम्स को ऑब्जर्व यदि आप करते हैं, सबसे पहले आप आइसोलेट हो जाएं, ताकि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करें और हाइजीन का खास करके ध्यान रखें। इसके लिए मंकी पॉक्स के लिए कुछ वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं और एंटीवायरल मेडिसिंस भी अवेलेबल हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।